खाओ बनाओ 96 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग के लिए मैं तरह तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ, वो शॉर्ट वीडियो भी रहते हैं और लॉन्ग वीडियो रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का मंचूरियन रेडी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही क्रिस्पी है। आप लोग एवरीवन वेलकम इन खाओ बनाओ 96। आप लोग के लिए आज मैं बनाने वाला हूँ वेज मंचूरियन। तो कौन से इंग्रेडिएंट आप लोग को कभी कभी डालने हैं वो मैं सारा आप लोग को बताने वाला हूँ। इंग्रेडिएंट में आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने आधा किलो पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है। आप लोग मिक्सर में ग्रेट भी कर सकते हो, कद्दूकस भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों को 2 टीस्पून गाजर लेना है, कैरेट लेना है, 1/2 टीस्पून हम लोगों को कांदा बारीक काट लेना है। उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची लेनी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम लोग को 4 से 5 लहसुन पतले पतले काट लेने हैं और हम लोग को 1/2 टीस्पून अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लेना है और थोड़ा सा स्प्रिंकल अनियन ले लेना है। 1 टीस्पून मैंने फूड कलर ले लिया है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। तो हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को रेड चिल्ली सॉस हम लोगों को लेना है 2 टीस्पून। ध्यान से देखिएगा, 2 टीस्पून मैंने लिया है। उसके बाद हम लोग जितनी वेजिटेबल्स हमारी हैं उसको भी ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले कांदे ऐड कर लिया, मैंने अपना कैरेट ऐड कर दिया है, मिर्ची ऐड कर दिया है, हम लोग ने हमारा लहसुन ऐड कर दिया है, हम लोग ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, स्प्रिंकल अनियन ऐड कर दिया है। फूड कलर भी हम लोग ने इसी स्टेज पे ऐड कर दिया, आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग इसको स्लोली स्लोली मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये मिक्स करने के बाद हम लोग नमक ऐड करेंगे। गाइस जैसे आप लोगों को करना है, हम लोग ने फूड कलर ऐड कर लिया, इसके लिए आप देख रहे होगे हम लोग ने हल्का हल्का मिक्स कर लिया, पूरा कलर चेंज हो गया। हम लोग अब सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट आप लोगों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, ज़्यादा कम नहीं डालना है। नमक ऐड करने के बाद हम लोगों को कॉर्नफ्लावर 3 चम्मच, मैदा को 3 चम्मच, मिक्स करना है स्लोली स्लोली। हम लोग को इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते जाना है और इसके टेक्सचर्स के ऊपर देखना है कि कैसा टेक्सचर बन रहा है। आप लोग को मैं गाइड करते रहता हूँ। इसको हम लोग कंटिन्यूसली मैश कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 मिनट हो गया मैश करते करते। ऐड करना है 2 टीस्पून हम लोग को कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, 2 टीस्पून हम लोग को मैदा ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। जैसे कि हम लोग ने 2-2 और भी ऐड कर चुके थे, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, तो हम लोग को 2-2 टीस्पून और भी ऐड करना है। तो 2 टीस्पून हम लोग कॉर्नफ्लावर, 2 टीस्पून हम लोग मैदा, ऐसे ही रेशो में आप लोग को स्लोली स्लोली मिक्स करना है और जब तक ये ड्राई ना हो जाए, और फिर स्टार्ट मिक्स करेंगे सेम एज इट इज। एक ही साथ आप लोग अगर डाल दोगे तो ये थोड़ा गट हो सकता है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो आप लोग को पता ही कैसा है नेचर में। हम लोग का डो रेडी है, जैसे कि मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। डो मेरा एकदम टाइट हो रहा है, तो आप लोग को भी डो ऐसा बनाना है जो मंचूरियन एकदम कड़क हो। तो आप लोग देख सकते हो, डो देख लो कि शेपिंग अच्छी आ रही है। अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। मैं ढेर सारे डो बना देता हूँ, फिर आप लोग को दिखाऊंगा। तेल हमारा लो फ्लेम पे बहुत अच्छा हीट हो गया। हम लोग मंचूरियन ऐड करना स्टार्ट करेंगे। मंचूरियन 1 पलट लेना है सारे मंचूरियन को और चलाते रहना है। गाइस फूड कलर का जो प्रोसेस है वो सिर्फ कलरिंग के लिए है कि हम लोग का मंचूरियन अच्छा दिखे। आप लोग स्किप भी कर सकते हो। आप लोग को इसको पकाने में एटलीस्ट 5-10 मिनट लगेंगे स्लो आंच पे। आप लोग को ऐसे चलाते रहना जिससे अच्छे से अंदर पक जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इसको मैंने 6 से 7 मिनट स्लो आंच पे कर लिया है, तो ये पक गया है। अभी इसको हम लोग को रेड करने के लिए हम लोग हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर हाई फ्लेम पे फिर से डालेंगे। एकदम हाई पे है, अभी हम लोग इसको मंचूरियन डालेंगे। हम लोग ने मंचूरियन ऐड कर लिया है, अब इसको हाई फ्लेम पे हम लोग को एक बार क्रश करना है और फिर निकाल देना, हो जाएगा। तो भाई आप जैसे कि देख रहे होगे ये हमारा मंचूरियन रेडी ही होने वाला है, तो इसको हम लोग छान के बाहर करेंगे। भाई जब हम लोग निकालेंगे हमारा मंचूरियन अच्छे से, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे, मैं क्लोजर आप लोग को दिखाऊंगा कि मंचूरियन कितना अच्छा बना हुआ है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मंचूरियन एकदम रेडी है।